मुरादाबाद के आज़ाद नगर इमाम बारगाह में हर साल की तरह इस साल भी नमाज़ इशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौला मुश्किल कुशा की यौम पैदाइश के सिलसिले में एक महफिल का आगाज़ किया गया। इस महफिल में अहले बैत शायरों ने शिरकत कर मौला अली की शान में शेर पेश किए। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान और हमद ओ नात से की गई। मौलाना शकील हैदर ने कुरान शरीफ की तिलावत की और हमद ओ नात अब्बास हैदर जैदी ने पढ़ी। इसके अलावा महफिल का संचालन शायर जैद सिरसीवी ने किया और अध्यक्षता मौलाना मुख्तार उल हसन ने की। इस मौके पर महफिल के सबसे छोटे शायर नवाज़ अख्तर उर्फ अर्श ने भी मौला अली की शान में कलाम पेश किए। वहीं महफिल के बाद मौलाना शकील हैदर ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ कराई। इस मौके पर शायर दानिश गदीरी अली वाहिद अली मोमिन शब्बू डॉक्टर कायम शायर जैन सिरसीवी रहीस आगा नसीम पाशा शहनवाज नकवी आदि मौजूद रहे। सोचा है कभी क्या देती है कासिम की शहादत से हमको एक तरफ निराला देती है ज्यादा से तीसरा चौथा तीसरा बता रहा सुनिएगा कि ये कर्म बदला हर इंसान को। सोचा है कभी क्या देती है कासिम की शहादत से हमको एक दर्श निराला देती है। अब बात मरना है कासिम की शहादत से सबको कासिम की शहादत से हमको एक दर्श निराला देती है। हर नफ्स को मरना है बेशक फिर राह खुदा में क्यों ना मरे। हर नफ्स को मरना है बेशक हर नफ्स को मरना है बेशक फिर राह खुदा में क्यों ना मरे। हर नफ्स को मरना है बेशक फिर राह खुदा में क्यों ना मरे। जब हक की मौत शहादत है और जायक मीठा देती है। हर नफ्स को मरना है बेशक फिर राह खुदा में क्यों ना मरे। जब हक की मौत शहादत है और जायक मीठा देती है। आइए अल्लाह के रसूल के साहिब का शुक्र करता हूं जनाब अली भाई साहब से के हमारे पास आया हमारा अल्लाह ने अभी पेश किया और अल्लाह का शुक्र अल्लाह अली नाम मेरा मां मुझे है कुरान में ढल जाए।
और किरदार मोहम्मद की कुछ ऐसी फजीलत है, अपना ले अगर दुनिया तकदीर बदल जाए, अपना ले अगर दुनिया।